लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे को कुंड किनारे के मंदिर में जाना है वहां आज कीर्तन है तू भी संग चल पता नहीं कहाँ रह गई इतनी देर तो उसने कभी नहीं की ऐसी लापरवाही तो उसने कभी नहीं दिखाई भगवान करे वो ठीक हो मुझे ही उसे ढूंढने जाना होगा मैं का साथ नहीं दे सकती मेरी शादी होने वाली है दिल में जो दुल्हन की तस्वीर उसमें सिर्फ एक ही चेहरा सिर्फ एक ही चेहरा सिर्फ एक ही चेहरा और वो तुम्हारा है और वो तुम्हारा है और वो तुम्हारा है और वो तुम्हारा है मुझे माफ कर दीजिएगा मेरा आपसे क्या रिश्ता है मैं कभी नहीं कह पाऊंगी आपसे दूर रहना ही मेरी किस्मत में लिखा है Thank you.
बिरजू, देव नहीं आया? ये लड़का तो मेरी जान लेकर रहेगा, परेशान कर दिया इसने। कह रहा था शाम को बताऊंगा मुझे कौन सी बात परेशान कर रही है, और रात होने को आई, अब तक कोई न पता और ना ही कोई खबर। भगवान जाने कहाँ होगा। दादी माँ दूध पीजिए ना। अरे छोड़ दूध तू। आपके इतना पसीना कहाँ आ रहा है? मुझे कोई पसीना नहीं आ रहा है। तू दूध छोड़ और मुझे फोन दे, मैं छोटी बहू के मोबाइल पे फोन करती हूँ और पूछती हूँ उससे कि देव उससे मिलके वहाँ से निकला कि नहीं। अरे यूं क्या ताके जा रहा है, बहरा है क्या? मैंने कहा ना फोन दे। दादी माँ वो आप भौजी को फोन मत कीजिए। क्यों? वो इसलिए कि अगर आप भौजी को फोन करेंगी और देव भैया वहां से काफी पहले ही निकल गए होंगे तो भौजी खामखा परेशान हो जाएंगी ना। वो देव भैया रास्ते में ही होंगे, कहीं फंस गए हो। बिरजू तुम मुझसे कुछ छुपा रहा है ना? दादी मैम हम आपसे काहे कुछ छुपाएंगे, हम कुछ जानते होते तो बता देना। आप दूध पीजिए, लीजिए दूध पीजिए। काश तुम एक बार मेरी आंखों में मेरे प्यार की सच्चाई देख पाती तो शायद समझ पाती कि तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए कितना मुश्किल होने वाला है। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम खुश रहो। अगर तुम्हें ये खुशी मुझसे दूर रहकर मिलने वाली है तो यही सही। देव भैया फोन उठा लीजिए, दादी की जान सूखी जा रही है। उठा लीजिए उठा लीजिए।
क्या क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूं आपने इतनी अच्छी तरह से अपनी परंपराओं का निर्वाह किया है। इतने साल हो गए पर भगवान को यूं प्यार से सुलाने का नियम आपने कभी नहीं तोड़ा। और टूटेगा भी नहीं। जिस प्यार से माँ जी ने मुझे सिखाया था मैं भी अपनी बहू को वैसे ही सिखाऊंगी प्यार से। आपने तो इस घर की बहू बनते ही सारी बागडोर अपने हाथ में संभाल ली थी। बड़ी बहू को भी यहाँ आए हुए 7 साल हो चुके हैं। अरे तो क्या हुआ, हमारी छोटी बहू है ना, आप देखिएगा इस घर की हर रीत हर रस्म हर परंपरा की धरोहर को कैसे संभाल कर रखेगी हमारी छोटी बहू। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। अच्छा चलिए, ठाकुर जी सो गए हैं, आप भी चलकर इतनी नाद से सो जाए। चलिए हो गई है और लड़का वापस नहीं आया। किसी को कोई फिक्र नहीं, एक मैं ही परेशान हुए जा रही हूँ। ये बिरजू ये कुछ जानता है लेकिन उससे छुपा रहा है। क्या तुम भी कुछ छुपा रही हो? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बेवजह परेशान हो रही हैं। क्या हुआ माँ जी? माँ जी आप ठीक तो है ना? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो देव के लिए परेशान हूं। बिरजू जी जा, माँ जी को कमरे में ले जा। आइए दादी माँ। जी मंदिर के पट बंद कर दीजिए। अरे अरे क्या हुआ भाई, तनिक सावधानी से। सुबह से बहुत कार्य कर रही हैं आप। बस थोड़ी कमजोरी लग रही थी जी। क्या हुआ लल्ला? कुछ नहीं, तनिक चक्कर आ गया था। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं बेटी, पूजा। पूजा तो विशाखा से करवा लेना। तू तो अपने आप को भाग्यशाली समझ कि पुरोहित खानदान की बहू तेरे घर के मंदिर में ठाकुर जी को सुलाए रही। जा बिटिया, हाथ जोड़ के पर्दा डाल दो जा। ये राधिका कहाँ गई? अरे राधिका, अरे वहां क्यों खड़ी है बेटा, यहां आओ। इतनी रात को कहां से आ रही हो राधिका? जी मंदिर। बस तू तो जोगन बनके सगरे मंदिर में घूमती फिरी हो ताकि सगरे ब्रिजवासी ये कहें
कि हमने तो को घर से निकाल दिया है। अम्मा, आप भी बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? ठीक है लल्ला, ठीक है, मैं चुप हो जाऊंगी। लेकिन अगर ये तोरी बेटी होती और मोरी पोती होती तो क्या इस तरह आधी रात को गलियों में घुमत भी रखता? अम्मा बस करो आप। को का है, मर, जहां मरना है वहां मर। रहने दे, विशाखा कर देगी। विशाखा जी मां, पिटिए बर्तन साफ कर दे। रहने दे विशाखा, मैं कर दूंगी। मैंने कहा ना विशाखा कर देगी। तू हाथ मत लगा। दादी माँ को परेशान क्यों कर रहा है? घर वापस आ जाना बेटा। मैं आपका साथ नहीं दे सकती। मेरी शादी होने वाली। इंतजार कर रही होगी। मैं उनसे वादा करके आया था कि मैं उन्हें आज सब कुछ बता दूंगा। बताना ही होगा, एक वही तो है जिनसे मैं अपना दर्द बांट सकता हूं। रहने दे, मुझे दर्द नहीं है।
मैंने कहा ना मुझे दर्द नहीं है। कितना ध्यान रखती है सबका, तू ना हो तो पता नहीं हम लोगों का क्या हो। ऐसा प्रतीत होता है कि तुझे पहले से ही आभास हो जाता है कि हमें क्या कष्ट है। सुखी रहो बेटा। Thank you.